नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। इस वक्त सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करो दर्शकों, और बड़ी खबर बृजभूषण शरण सिंह को लेकर है। पहलवानों के केस में चार्जशीट दायर हो गई है, तैयार हो गई है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है दर्शकों, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और क्या वाकई में अब बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटम जो दिया गया था सरकार की तरफ से, उसका आज आखिरी दिन है। कल 15 तारीख हो जाएगी और आज 14 तारीख है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में आज बृजभूषण शरण सिंह को लेकर ही हो जाएगी। जो देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही दर्शकों, जरा उसको गौर फरमाइए। रेसलर्स के केस की चार्जशीट 2 दिन में होगी दाखिल, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि पहलवानों के केस में चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। और क्या वाकई में ऐसा होता दिखेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है जो हम आप सब समझना चाह रहे हैं। और देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है, क्योंकि वह साफ शब्दों में पहलवान कह चुके हैं कि अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम नहीं रुकेंगे और फिर से आंदोलन करते नजर आएंगे। इसीलिए अनुराग ठाकुर ने आश्वासन दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि घबराने की जरूरत नहीं है, न्याय जरूर मिलेगा और चार्जशीट दायर की जाएगी। तो देखना होगा कि अनुराग ठाकुर की बात क्या पूरी हो पाती है, क्या वाकई में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या नहीं, क्योंकि अब गिरफ्तारी से पहले तो ये मानने वाले नहीं है। ये पहले ही कह चुके हैं तमाम रेसलर्स कि हम इससे पहले समझौता नहीं करेंगे। हाँ, ये ज़रूर कहा कि सरकार बार बार समझौते के लिए हमें फोर्स कर रही है, कह रही है कि किसी भी तरीके से जो है समझौता कर ली जाए, लेकिन ये कह रहे हैं हम मानने के तैयार नहीं है। ये अच्छी बात है, क्योंकि अब देश से जुड़ी बात हो गई, देश की बेटियों से जुड़ी बात हो गई। तो ऐसे में पहलवानों का स्ट्रिक होना बहुत मायने रखता है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। और दर्शकों, आपको क्या लगता है कि क्या चार्जशीट दाखिल होगी और बृजभूषण शरण सिंह वाकई में क्या गिरफ्तार हो जाएंगे, क्या सरकार वाकई में उन्हें गिरफ्तार करती नजर आएगी? मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़।